हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो देखिए, पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, लैटिट्यूड लांगिट्यूड अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था कितने देशों से होकर गुजरती हैं रेखाएँ, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, कितने सागरों से होकर गुजरती हैं। आपका क्या छूट गया था, क्या आपको छूट क्या गया था, इसको अगले वीडियो में बताना था। कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में बताना था, आपको परिचय कराना था और कुछ आपको इस तथ्य से परिचित कराया जाएगा। तो पहले मैं आपको क्या एक ग्लोब बना लेता हूं, क्या एक ग्लोब इस तरह से देखिए, क्या है पृथ्वी है, क्या इस तरह से पृथ्वी ग्लोब, जितने लोग नहीं देखे देख लीजिएगा इस तरह से क्या होता है, ग्लोब होता है। अब देखिए, मैं आपको अगले वीडियो में बताया था कि जो बीचों बीच से रेखा होकर गुजरती है क्या, उसे हम लोग क्या जीरो डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। चाहे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचिए, चाहे पूर्व से पश्चिम तक खींचिए, जो इस तरह से रेखाएं होंगी क्या, उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर ऊपरा वाला बिंदु है इसे हम लोग क्या उत्तरी ध्रुव कहते हैं, क्या उत्तरी ध्रुव। जो नीचे वाला बिंदु होगा उसे हम लोग क्या दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, क्या दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई, उत्तरी ध्रुव किसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं, अभी सब कुछ बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप लोग आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, अभी आपको कर्क रेखा मकर रेखा सब कुछ बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस तरह से फिर एक मैं चित्र आपको बनाता हूँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। यह आपका क्या है जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा की हम लोग क्या भूमध्य रेखा बोलते हैं। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या भूमध्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। अब देखिए, इसमें समझने वाली क्या बात है आपको, कर्क रेखा और मकर रेखा जीरो डिग्री से ठीक ऊपर 23.5 डिग्री, क्या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या यहाँ पर नाम लिखते हैं कर्क रेखा बोलते हैं, क्या कर्क रेखा बोलते हैं। ये रेखा क्या है, कर्क रेखा है, कितना है 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। अब देखिए, इसके नीचे 23.5 डिग्री ये भी है, क्या 23.5 डिग्री, 23 से 2, ये आपकी कौन सी रेखा है, आपकी मकर रेखा कहलाती है, क्या मकर रेखा कहलाती है। अब देखिए, कर्क रेखा मकर रेखा आपको मालूम चल गया कि कहाँ पर है, ये आपकी क्या 0 डिग्री से 23.5 डिग्री वाली क्या कहलाती है, आपकी कर्क रेखा बोलती है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री जो नीचे है आपकी मकर रेखा कहलाती है। अब आपको समझने वाली क्या बात है, यहाँ पर ये किस लिए मैं बनाया था, देखने के लिए नहीं बनाया था, आपको समझाने के लिए। अब देखिए, ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका क्या उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला क्या आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, क्या दक्षिणी गोलार्ध। अब आपसे मैं पूछूं कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, तो आप कहोगे क्या है उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा किस गोलार्ध में आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, सब कुछ नोट करते हुए चलिए, ये सब आपको नोट करना है, ये किस गोलार्ध में कर्क रेखा आता है, मकर रेखा किस गोलार्ध में आता है। अब देखिए, आपको मालूम है कि भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो जब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है तो आपसे पूछा जाता है कि प्रश्न कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताओगे क्या उत्तरी गोलार्ध में। बहुत से लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो इसे आप लोग लिख लीजिएगा भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, आपको क्या समझने वाली बात है, अभी आपको कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है वो सब कुछ आपको बताएंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग बेसिक चीज़ समझिए। अब देखिए, ठीक 23.5 डिग्री के ऊपर क्या होता है, ठीक 23.5 डिग्री के ऊपर 66.5/2 यानी 66.5 डिग्री, इसको हम लोग क्या कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं, क्या आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक आप ये क्या है, सभी रेखाएं आप अक्षांश रेखाएं हैं, सभी अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन उनका नामकरण किया गया है। 23.5 डिग्री वाली अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं, जो नीचे है दक्षिण में, 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध है उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, यह आपका क्या है 66.5 डिग्री वाले को हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं। उसी प्रकार से क्या है, नीचे भी क्या है 66.5 डिग्री है, इसे भी हम लोग 66.5/2 इसे भी हम लोग क्या कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, क्या अंटार्कटिक वृत्त। इसके भी तमाम नाम है, तो आप लोग जो फेमस नाम है उसको आप लोग समझते रहिएगा। अब देखिए, आपको मालूम चल गया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा किसे कहते हैं, मकर रेखा किसे कहते हैं, आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं और अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं। अब आप लोगों को समझने वाली क्या बात होगी, तो इसमें समझने वाली क्या बात है, थोड़ा और आप लोगों को बताता हूँ। इसमें समझने वाली बात है कि देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि सबसे उष्णकटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्णकटिबंध किसे कहते हैं, वो चीज़ें आपको मैं आप बता रहा हूँ। तो ये देखिए, 0 डिग्री क्या है अक्षांश रेखा है,
यहाँ पर देखेंगे 23.5 डिग्री वाली जो बनाया था मैं, क्या है 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2। नीचे भी क्या मैं बनाया था 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2। ये आपकी क्या कर्क रेखा थी, ये आपकी मकर रेखा थी, ये आपका 0 डिग्री चाहे कहिए, चाहे भूमध्य रेखा कहिए, चाहे विषुवत रेखा कहिए। भूमध्य रेखा का एक नाम और है क्या, विषुवत रेखा। अब देखिए इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था 66.5 डिग्री, क्या 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2। यही चीज़ है, जितना ये चित्र है वही यहाँ पर बता रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। नीचे भी क्या है 66.5 डिग्री था, 66 सही 1/2 डिग्री। ये जो आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव देख रहे हैं क्या है 90 डिग्री है, कितना 90 डिग्री, ये भी आपका कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी बाबू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आपको समझने वाली क्या बात है कि इसमें पहले आपको निम्न अक्षांश बताते हैं, फिर उच्च अक्षांश बताते हैं, फिर आपका एक और चीज़ उसमें बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा से ये वाला हिस्सा जो है 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये आपका क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध कहलाता है। क्या कटिबंध, आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। ये जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नीचे वाली और 0 डिग्री 23.5 डिग्री, यानी ये जितना है ये आपका क्या उष्णकटिबंध कहलाएगा। ये भी आपका उष्णकटिबंध है, ये भी आपका क्या है उष्णकटिबंध है। उष्णकटिबंध मतलब उष्ण मतलब गर्मी, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो सूर्य जो होता है यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा गर्मी के यहाँ यही जगह होती है, 0 डिग्री 23.5 डिग्री ऊपर और इससे नीचे। अब देखिए इसके नीचे जो होता है वह सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, तो वहाँ जो है कम, जब तिरछी जाएंगी तो कम गर्मी होगा। तो ये वाला जो हिस्सा आपका कहलाता है यहाँ से यहाँ तक 23.5 डिग्री से 66.5, ये आपका क्या, आपका शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या शीतोष्ण, इसका नाम क्या है शीतोष्ण कटिबंध। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री के ये ऊपर वाला है, इसे भी हम लोग क्या शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या शीतोष्ण कटिबंध, क्या शीतोष्ण। अब आपको मालूम चल गया होगा कि उष्णकटिबंध किसे कहते हैं, शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। जो देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री 23.5 डिग्री नीचे आपका उष्णकटिबंध कहलाएंगे, और आपका शीतोष्णकटिबंध 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच वाला शीतोष्णकटिबंध कहलाएगा। यहाँ पर भी 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री के नीचे वाला शीतोष्णकटिबंध कहलाएगा, ये वाला हिस्सा। अब आपको मालूम करना है कि ये तो शीतोष्णकटिबंध हो गया, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की तिरछे क्या हो रही है, तिरछी आ रही है। आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये डस्टर यहाँ पर रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, भूमध्य रेखा बीचों बीच से होकर गुजरी है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ से आपका क्या कर्क रेखा होकर गुजरी है। तो सूर्य मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सूर्य है। जब सूर्य का प्रकाश होगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ, आपका भूमध्य रेखा पर आएगा, इसके बाद आपका कर्क रेखा पड़ जाएगा, फिर इसके बाद कर्क रेखा के जितने इस साइड में आएंगे आप, सूर्य का प्रकाश जो होगा यहाँ से क्या तिरछा जाएगा, क्या तिरछा जाएगा। जब तिरछा जाएगा तो जब गर्मी ही नहीं रहेगी तो क्या आ जाएगी, वहाँ पर ठंडा हो जाएगा, क्या ठंडा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, आपका शीत कटिबंध कहलाता है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाला क्या शीत कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध। ये आपको मैं मोटे तौर पर बता रहा हूँ, वरना इसको भी और भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब देखिए उसी प्रकार से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री वाला क्या आपका शीत कटिबंध कहलाएगा, क्या शीत कटिबंध। यहाँ पर क्या होती है, ध्रुव के पास है तो बर्फ ज़्यादा जमी रहेगी, उसी प्रकार यहाँ पर भी बर्फ ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर क्या सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी, यहाँ पर गर्मी और क्या ठंड दोनों आपको देखने को मिल जाता है। अब आपको मालूम चल गया होगा कि कटिबंध कितने कटिबंधों में इनको बांटा गया है, तो आशा करता हूँ जरूर समझ में आ गया होगा। अब आपको मैं बताता हूँ, क्या बताऊँगा, इसमें एक चीज़ बताने वाला था, निम्न अक्षांश, उच्च अक्षांश, मध्य अक्षांश। ये जो आपका देख रहे हैं 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, ये वाला पूरा हिस्सा आपका क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका निम्न अक्षांश कहलाता है। क्या निम्न अक्षांश, ये भी आपका क्या निम्न कहलाएगा, ये आपका मध्य कहलाएगा, क्या मध्य, ये आपका क्या उच्च अक्षांश कहलाएगा, क्या उच्च। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या लिख लेंगे, मध्य लिख लेंगे, और यहाँ पर क्या है उच्च हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको इसको भी मालूम चल गया होगा, समझाने वाली क्या बात है, इतनी बात आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि जो आपकी कर्क रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजर रही है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मकर रेखा, मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरी है, लगभग आपके कुल बताता हूँ तो मालूम चल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप मैप खोजिएगा, मैप से देखिएगा, इसके बाद कापी पर जरूर नोट कर लीजिएगा। मैप में सबसे अगर मकर रेखा की बात की जाएगी तो 23.5 डिग्री नीचे है, किया 0 डिग्री 23.5 डिग्री नीचे, तो आप सबसे पहले कहाँ खोजेंगे,
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे, क्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला देश हो जाएगा चिली, दूसरा हो जाएगा अर्जेंटीना, इसके बाद तीसरा हो जाएगा पैराग्वे, चौथा हो जाएगा ब्राज़ील। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुल 4 देशों से। नाम आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ नाम लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा आप जब मेहनत करेंगे तब ना कुछ होगा, अब हम आपको लिखवाएं तो अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए क्या होगा, जब आप मेहनत करेंगे तो आपको मालूम रहेगा हाँ कैसे लिखना है, कहाँ नहीं ढूंढेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मालूम होगी। अब देखिए इसमें पहला देश हो जाएगा चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील। मैप ले लीजिएगा, मैप में यहाँ पर देखेंगे चिली है, इसके बाद अर्जेंटीना है, तीसरा यहाँ पर पैराग्वे है, चौथा यह बहुत बड़ा ब्राज़ील आपको दिखाई दे देगा। तो मैप भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देखिए, दिखा रहा हूँ, चिली है, फिर आपका क्या है अर्जेंटीना है, तीसरा का पैराग्वे है, चौथा क्या है आपका ब्राज़ील है, इस तरह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब देखिए आपका क्या आ जाएगा, इसे जब इसको ऐसे घुमाएंगे या मैप लिए होंगे उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा, आपका आ जाएगा क्या अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में पहला देश हो गया नामीबिया, दूसरा आपका हो जाएगा बोत्सवाना, तीसरा आपका दक्षिण अफ्रीका, चौथा आपका हो जाएगा मोजाम्बिक, पांचवा हो जाएगा मेडागास्कर। तो दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, 5 देशों से। कितना, 5 देशों से। पहला कौन सा है आपका नामीबिया, दूसरा बोत्सवाना, तीसरा आपका दक्षिण अफ्रीका, चौथा है आपका क्या हो जाएगा मोजाम्बिक, पांचवा हो जाएगा आपका मेडागास्कर, पांचवा आपका मेडागास्कर हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 5 देशों से। इसे आप लोग फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपका क्या है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका क्या है 23.5 डिग्री आपका मकर रेखा गुजरता है, सबसे पहले नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर इसके बाद आपका दक्षिण अफ्रीका, 3 हो गया, चौथा मोजाम्बिक हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा मेडागास्कर हो जाएगा। मेडागास्कर यहाँ पर है, आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझ गए होंगे। इसके बाद इसको क्या घुमाएंगे इस तरह से, और ये आपका क्या आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा। तो ये पूरा आप क्या लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया लिख लेंगे। तो ये देखिए 5, 4, 9 हो गया, इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरता है, तो ये कितना हो गया 1 हो गया, 5, 4, 9 ये कितना हो गया 10 हो जाएगा। यानी मकर रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों से होकर गुजरती है। कितनी, 10 देशों से। तो इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिएगा तो आपको मालूम चल गया होगा कि आपकी जो मकर रेखा है कितने देशों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देशों से, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से, एक ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, इसके बाद आपका आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से, ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, 4 देश। इसके बाद आपका आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें आपका नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर आ जाएगा, 5 देश आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। आप इस तरह से याद करेंगे, देखिए ट्रिक फ्रिक नहीं याद करना है, सीधे से आपको जो बता रहा हूं वही याद करना है, भूलेगा नहीं। और हाँ, हमेशा क्रम वाइज याद करिएगा, तब दिमाग में क्या याद रहेगा। अब आपको मैं बताता हूं कि ये तो आपका था मकर रेखा, अब आपको बताता हूं कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है भैया, 17, लगभग 17 देशों से, लगभग नहीं 17 देशों से होकर गुजरती है। अब कोई नया बन गया होगा तो हमको खोजना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले खोज लेंगे क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका खोज लेंगे, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका सबसे पहले आ जाएगा अमेरिका। अब देखिए अमेरिका से नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 0 डिग्री आता है, 0 डिग्री 23.5 डिग्री ऊपर, इसी को हम लोग क्या कर्क रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहला आप देश आ जाएगा इसमें मैक्सिको आ जाएगा, दूसरा आपका क्या आ जाएगा बहामास, यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या है भूमध्य रेखा है, यहाँ पर आपका अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो इसमें पहला आपका आ जाएगा मैक्सिको, दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए बहामास है, फिर इसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देशों से कौन कौन सा है मैक्सिको, इसके बाद बहामास, इसके बाद आप खोल लेंगे सीधे इसको कहाँ ले जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में, फिर लेकर जाएंगे कहाँ अफ्रीका महाद्वीप में। पहला देश आपका हो जाएगा पश्चिमी सहारा, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा मारिटानिया, तीसरा आपका हो जाएगा क्या माले, इसके बाद आपका अल्जीरिया हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से खोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे पहला देश हो जाएगा पश्चिमी सहारा, दूसरा हो जाएगा आपका क्या अल्जीरिया, नहीं पहला हो जाएगा आपका पश्चिमी सहारा, दूसरा हो जाएगा मारिटानिया, तीसरा हो जाएगा माली, चौथा हो जाएगा अल्जीरिया, इसके बाद आज नाइजर, इसके बाद नाइजर आएगा, इसके बाद लीबिया आएगा, फिर मिस्र आएगा, क्या नाइजर, लीबिया, मिस्र, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये आपका नाइजर आ जाएगा, फिर लीबिया आ जाएगा, फिर मिस्र आ जाएगा, ये आपके हो गए अफ्रीका महाद्वीप के देश। अब यहाँ पर मैं आपके लिख देता हूँ कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है। तो पहला आपका देखिए आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुल कितने देशों से, 2 देशों से, पहला कौन सा है आपका मैक्सिको है, दूसरा आपका बहामास है। तो अब आपको नोट कराता हूँ क्या आपका
अफ्रीका महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देश हो जाएंगे ध्यान से सुनिएगा। पहला पश्चिमी सहारा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मारिटानिया, तीसरा आपका क्या हो जाएगा माले, फिर इसके बाद आपका अल्जीरिया हो जाएगा। चार इसी तरह से हो गए, पहला आपका क्या हो जाएगा पश्चिमी सहारा, दूसरा आपका कितना हो जाएगा आपका मारिटानिया, तीसरा आपका क्या हो जाएगा माली, चौथा आपका हो जाएगा अल्जीरिया। तो चार इस तरह से आप देख लिए हैं। अब इसके बाद अल्जीरिया के बाद क्या हो जाएगा नाइजर लीबिया मिस्र, क्या नाइजर लीबिया मिस्र, तीन इस तरह से हो गए। तो चार दिन कितना हो गया सात। तो अब आपका जो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देशों से हो जाएगा सात देशों से। पहला आपका क्या हो जाएगा पश्चिमी सहारा, दूसरा आपका हो जाएगा मारिटानिया, तीसरा आपका हो जाएगा माले माली, इसके बाद चौथा हो जाएगा लीबिया, पांचवा हो जाएगा नाइजर लीबिया मिस्र, नाइजर लीबिया मिस्र। आशा करता हूँ अफ्रीका महाद्वीप के कुल कितने देश हैं आपको मालूम चल गया हो कितने देशों से होकर गुजरती है, तो सात देशों से। इसके बाद ये सीधा एंट्री करता है कहाँ एशिया महाद्वीप में, सीधे एंट्री कर देगा एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप के कुल कितने देशों से होकर गुजरेगा वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला यहाँ पर देखिएगा आपका आ जाएगा सऊदी अरब, क्या हो जाएगा पहला आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ से लाल सागर जो होगा आपका वहाँ से इधर वाला साइड आपका क्या लगा अफ्रीका महाद्वीप, इधर वाला आपका एशिया महाद्वीप का लगेगा। तो मैप आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहला आ जाएगा सऊदी अरब, दूसरा आपका आ जाएगा यूएई, तीसरा आपका आ जाएगा ओमान। तो इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, पहला आपका सऊदी अरब, दूसरा आपका आ जाएगा यूएई, तीसरा आपका क्या आ जाएगा ओमान। इसके बाद सीधे एंट्री हो जाएगा कहाँ, सीधे एंट्री आपका हो जाएगा यहाँ पर भारत में, सीधे एंट्री हो जाएगा भारत में। इसे आप लोग ध्यान से लेकिन समझिएगा, पहला सऊदी अरब, दूसरा यूएई, तीसरा आपका क्या हो जाएगा ओमान हो जाएगा, तीसरा ओमान। अब ये सीधे जब भारत में एंट्री करेगा तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पहले तीन देश हो गया। अब देखिए जब भारत में एंट्री करेगा तो पहला भारत हो गया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भारत, दूसरा आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बांग्लादेश है, तीसरा आपका म्यांमार हो गया, चौथा आपका क्या हो गया चीन हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा ताइवान हो जाएगा। कितना ताइवान, यहाँ पर देखिए ताइवान है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ताइवान हो गया, चीन हो गया, इसके बाद आपका म्यांमार हो गया, फिर इसके बाद बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया। कुल कितना देश यहाँ पर हो जाएंगे, भारत एक हो गया, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा चीन, पाँचवा क्या हो जाएगा ताइवान हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा क्या पाँच, तो तीन प्लस यहाँ पर पाँच हो गया। अब इसे आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा एशिया महाद्वीप के कुल कितने देश हो जाएंगे, यहाँ पर लगता है शुरू में मैंने लिखा नहीं, तो ये एशिया महाद्वीप के आठ देशों से होकर गुजरेगी, कितना आठ देशों से। अब यहाँ पर देखिए कर्क रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरेगी, पाँच तीन आठ, इसी तरह से हो गया, पाँच तीन कितना हो गया आठ हो गया, दो जोड़ देंगे दस हो गया, सात हो गया क्या सत्रह, कितने देशों से कुल कितने देशों से होकर गुजरती है सत्रह देशों से होकर गुजरती है। अब आप सीधे कहाँ एंट्री करेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है मालूम चल गया होगा, आप लोग फार्मूला से याद किए होंगे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा भारत के कुल आठ राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कर्क रेखा क्या है, कुल भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है, ये देखिए भारत है, ध्यान से समझिएगा मैप में आप लोग देखे होंगे भारत के कुल कितने आठ राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। पहला आप देश या पहला आप राज्य या नोट कर लीजिएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो जाएगा, तीसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा आपका क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ में एंट्री करेगा, फिर इसके बाद आपका झारखंड हो जाएगा, झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल में जाएगा, फिर इसके बाद त्रिपुरा जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा आठ राज्य हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक ट्रिक भी है याद करने का, अगर ट्रिक वैसे ट्रिक नहीं बताएंगे, ट्रिक बताने लायक नहीं है क्योंकि आप लोग सीरियल वाइज जब याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा। पहला आपका क्या हो जाएगा गुजरात हो गया, दूसरा आपका यहाँ पर लिख लेता हूँ, पहला गुजरात हो गया आपका, दूसरा आपका क्या हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, तीसरा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, चौथा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, पाँचवा आपका क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड हो जाएगा, छठवा आपका क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सातवां आपका त्रिपुरा हो जाएगा, आठवां आपका क्या हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। तो कर्क रेखा भारत के कुल आठ राज्यों से होकर गुजरती है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा, या आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, मध्य उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, सब कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। हमारा भी थोड़ा एनर्जी लो हो चुका है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगर चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर विजिट करिएगा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप सभी लोगों का इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।